नमस्ते, मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आज बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण धर्म सुधार आंदोलन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है, धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, अगर धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो उसके उद्देश्य क्या थे, उसके कारण क्या थे। कोई भी घटना होती है उनके उद्देश्य और कारण जरूर हुआ करते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन। जैसे ही पुनर्जागरण से प्रभावित जनता ने पोप, सर्स और पादरियों में जो कुरीतियां थी, कुछ कर्मकांड थे, पाखंडवाद थे, आडंबर फैले हुए थे, उनके विरुद्ध उन्होंने जो आंदोलन किया उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ पूर्व की बात करें, पुनर्जागरण में चला जाए, पुनर्जागरण का मतलब होता है यह नहीं कि उसको निंद्रा से जगाना है, नहीं, मनुष्य में मानवतावाद को जागृत करना है। पहले क्या होता था कि जो ये यूरोप की जो जनता थी वो पोप, पादरी और सामंतों के नियंत्रण में थी। इन ये लोग जो कहते थे वो ये जनता करती थी, एक गुलाम की तरह जिंदगी जीती थी। लेकिन 1500 मध्य काल के बाद एक नया काल आया, उसमें उन जनता ने उनका विरोध कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन पुनर्जागरण की बात करें तो इटली में एक स्थान था जेरूसलम। इस जेरूसलम को लेकर ईसाई और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको धर्म युद्ध की संख्या दी गई है। और ये धर्म, जैसे धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया उसको धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। उसका आंदोलन उन्होंने किया कि उनकी कुछ बुराइयां हैं उसमें कुछ नैतिक सुधार किया जाए, सर्स की भ्रष्टाचार को दूर किया जाए लोगों ने, तो उन धर्म सुधार आंदोलन उसको कहते हैं। चलो धर्म सुधार आंदोलन की परिभाषा आ जाए। परीक्षा में पूछी जाती है कि धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं। परिभाषा में 16वीं शताब्दी से पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों को पोप की सांस्कृतिक व प्रभुत्व और सर्स की कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों, शोषण को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन आरंभ किया उसे रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार आंदोलन कहते। 16वीं शताब्दी से पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने सर्स की कुरीतियां, उसके पाखंडों, उसके आडंबरों और उसके शोषण के विरुद्ध जनता ने जो विद्रोह किया उसको धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। अगर धर्म सुधार आंदोलन हुआ है तो उनके पीछे कोई न कोई उद्देश्य तो जरूर होता है। उनका क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य था सर्स के धर्मालंबी थे, सर्स के धर्मालंबियों को या उसके अधिकारियों को में नैतिक सुधार करना। पहला उद्देश्य तो यह था कि उनके अधिकारी जो कर्मचारी है उसमें नैतिक सुधार करना। दूसरा उनका उद्देश्य था कि सर्स में कई कुरीतियां और भ्रष्टाचार फैला हुआ था तो इस भ्रष्टाचार को दूर करना, यह भी पुनर्जागरण के उद्देश्य से हुआ करते थे। दूसरा कारण यह था कि सर्स के अधिकारी, कर्मचारी, पोप और पादरियों को कुछ असीमित अधिकार प्राप्त थे, उसको क्या करना था, नियंत्रित करना था, यह भी उसका उद्देश्य हुआ करता था, जिसके कारण उन्होंने यह हुआ। अब हम बात करेंगे कि एक एक बिंदु की, अगर हम बात करें कि धर्म सुधार आने पुनर्जागरण का प्रभाव क्या हुआ। देखो पुनर्जागरण का मतलब होता है मनुष्य में मानवतावाद को जागृत करना कि इस मनुष्य में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि में उसमें वो परिवर्तन करना, वो पुनर्जागरण कहलाता है। कि पुनर्जागरण से क्या हुआ कि जनता इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने पोप और सर्स की अज्ञानता से बाहर आ गए, उन सर्स और पोप की अज्ञानता से बाहर आ गए, उनके बाहरी आवरण को हटाकर यूरोप की जनता ने इनके विरुद्ध आंदोलन चलाया, ये से धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। कि पोप और पादरी कोई सर्वे सर्वा नहीं है, हम उसके अधीन नहीं रहेंगे, तो उसको धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप की जनता ने उनके अज्ञानता से बाहर आ गए और उन्होंने, यूरोप की जनता ने जो विद्रोह कर दिया उसे धर्म सुधार आंदोलन
कहते हैं, पुनर्जागरण शब्द आंगल भाषा में पुनर्जागरण को रिनेसा कहते हैं, और रिनेसा का मतलब होता है पुनः जागना। इससे प्रभावित जनता ने जो आंदोलन पोप और पादरियों के विरुद्ध आंदोलन किया उसे ये धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सर्स के अंतर्गत आई व्यापित बुराई, कैसे सर्स में अंतर्गत व्यापक मतलब बुराई आई कि सर्स के जितने भी अधिकारी थे कर्मचारी थे पोप और पादरियों ने क्या किया कि उनके जो अधिकारियों के जो पद थे वो अपने सगे संबंधित लोग थे, काका का अंकल का मामा का जो भी लड़का था उन सगे संबंधित पद लोगों को उनके बड़े पदों पर रख दिया और दूसरी जन बड़े पदों पर रख दिया, जिसके कारण इस सर्स के अंदर कहीं बुराया और भ्रष्टाचार फैलने लगा। ये लोग मनमाने तरीके से जीवन जीने लगे, जनता से पैसे ऐंठने लगे, विलासितापूर्ण जिंदगी जीने लगे। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, प्रतिबंध नहीं था, जिससे जनता और राज्य इतने परेशान थे उनसे। और इन बुराइयों के विरुद्ध जब जनता को एक दिन पता चला, सर्स की बुराइयों के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया उसे धर्म सुधार आंदोलन भी, ये भी धर्म सुधार आंदोलन के कारण थे कि अपने सगे संबंधितों को ही ऊंचे पद दिए जाने लगे और ये ही इतनी विलासितापूर्ण जिंदगी जीते थे, सुखी संपन्न जिंदगी जीते थे। पुनर्जागरण का प्रभाव सर्स के अंतर्गत व्यापित बुराया कर्मकांड पाखंड वगैरह फैलने लगे और उन्होंने गलत पद का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा, पुनः जागरण पहले क्या हो, पुनः जागरण से पहले यूरोप में क्या था कि जनता थी वो पोप पादरियों और जो सामंत लोग थे उसके अधीन थी, उनके द्वारा ही नियंत्रित थी, उनके द्वारा जो भी कहा जाता था वो उनको बात माननी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही पुनः जागरण से ये जनता प्रभावित हुई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, तो एक नया वर्ग अपनों को देखने को मिला, वो था मध्यम वर्ग। क्या था? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग व्यापार करने का काम किया करता था और इसी मध्यम वर्ग ने व्यापार शुरू कर दिया एक दूसरे देशों के अंदर जाकर, और इन मध्यम वर्ग ने छोटे कृषक लोग थे मजदूर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया और उनके अंदर जो कुरीतियां और रूढ़िवादी फैली हुई थी उन मध्यम वर्ग ने इस कुरीतियां रूढ़िवादी को समाप्त कर दिया। एक दिन यही मध्यम वर्ग के साथ कई जनता इन पोप और पादरियों के विरुद्ध में खड़ी हुई और क्या हुआ, पुनः क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन। पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप, क्या हुआ, राजनीतिक हस्तक्षेप। पोप अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, अपने आप को देवी अधिकार मानते थे और कहते थे कि स्वयं ईश्वर ने हमें जनता की रक्षा करने के लिए हमको भेजा है और हमारे द्वारा अगर कोई बात कही गई है वो कभी झूठी नहीं हो सकती, हमेशा हमारी बात तो सत्य ही साबित होती है, हमने जो बात किया तो जनता, यूरोप की जनता है इन पोप और पादरियों की बात को मानती थी। फिर धीरे धीरे उनको उनके ऊपर विश्वास उठने लगा, ये पोप अपने को इतने संप्रभु मानने लगे, कानून से परे मानने लगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, तो उन्होंने राजा के राजनीतिक हस्तक्षेप के अलावा उसके व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप शुरू करने लगा। राजा परेशान हो गया, राज्य और स्वयं राजा और उनकी जनता भी परेशान होने लगी। एक दिन पूरा राज्य और जनता इन पोप और पादरियों के विरुद्ध आंदोलन किया, उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। पोप का राजनीति में हस्तक्षेप किया गया, यह भी अपन कह सकते हैं। दूसरी बात अपन करें बौद्धिक प्रक्रिया की बात करें, बुद्धिजी यूरोप में कहीं बौद्धिक प्रक्रिया, बुद्धिजीवी विचारक यानी अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने इस सर्स की कटु आलोचना की कि सर्स में व्यापित भ्रष्ट है, विलासिता फैली हुई है, सर्स के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो इन विचारकों ने, बौद्धिक विचारकों ने भी उनकी उन बौद्धिक विचारों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक तो था मार्टिन लूथर, कौन था, मार्टिन लूथर, जॉन हंस,
जॉन हंस ये बौद्धिक विचारक थे और वाइक्लिस, इन मार्टिन लूथर, जॉन हंस और वाइक्लिन ने सर्स की कुरीतियां और बुराइयों के विरुद्ध एक दिन उन्होंने उनकी कटु आलोचना की, उनका उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को धर्म को समझने के लिए सर्स और पादरियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि मनुष्य को बाइबिल नामक पुस्तक को पढ़कर धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकता है, और बाइबिल को ही धर्म का पद प्रदर्शक माना। क्या माना? पद प्रदर्शक माना। उसने सर्स की कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। किसने? मार्टिन लूथर, जॉन हंस, वाइक्लिस नामक लेखक ने। ये बौद्धिक विचारक हुआ करते थे उस समय यूरोप में। उसका तात्कालिक कारण क्या था? जो भी धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो उसका तात्कालिक कारण क्या था, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि तात्कालिक कारण क्या। कोई भी घटना, जैसे 1857 की क्रांति हुई तो उसमें कहा गया था कि उसका तात्कालिक कारण क्या था कि सर्बी वाले कारतूस। इसी प्रकार धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? जिस प्रकार हम पुनः जागरण की बात करें तो उसका तात्कालिक कारण क्या था कि वो जेरूसलम स्थान था। इसी प्रकार हम धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक, रिफॉर्मेशन का तात्कालिक कारण क्या था, इसकी बात करेंगे अपन। तात्कालिक कारण ये था कि एक लियो दसम पोप है। क्या है? लियो दसम नामक एक पोप है जिसने एक समापत्र निकाला। क्या निकाला? समापत्र निकाला। और इस समापत्र का मार्टिन लूथर ने विरोध कर दिया था। समापत्र पहले क्या होता, पोप और पादरी में इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि उन्होंने समा पत्र निकाला। ये पोप और पादरियों ने अपने अधिकारियों को मतलब ठेके पर रख दिया। तो इन ठेकेदारों में एक पोप था जिसका नाम था लियो दसम, ने एक समापत्र निकाला। समापत्र ये धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण था जिसे मार्टिन लूथर ने उसका विरोध कर दिया था। ये समापत्र में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस समापत्र जिसका नाम था पाप मोशन पत्र, क्या है? पाप मोशन पत्र था इस समापत्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया पाप मोशन पत्र, किससे मतलब लियो दसम ने पाप मोशन पत्र बनवाया था। और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस पाप मोशन पत्र से को खरीदता है तो उसके द्वारा आज तक जितने भी बुरे काम किए गए हैं और जितने भी गलतियां की गई हैं, जितने भी पाप किए गए हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद मनुष्य को आसानी से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके कारण कहीं जनता इन पत्रों को खरीदने लगी और जिसके कारण सर्स में पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैल गया था। क्या फैल गया था? उनके पास बहुत सारे इन पादरियों के पास पैसे आने लगे, वो विलासितापूर्ण जिंदगी जीने लगे। तो मार्टिन लूथर ने उसका विरोध कर दिया जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। लियो दसम ने जो समापत्र बनाया था उसका क्या नाम था? पाप मोशन पत्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है। ये पाप मोशन पत्र ही इसका तात्कालिक कारण हुआ करता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पहले क्या होता था कि मध्यकाल में पुनः जागरण से पहले को जो भी पोप और पादरियों के द्वारा अगर कोई बात कही जाती थी वो सत्य मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में पुनः जागरण से प्रभावित जनता ने पोप और पादरियों के द्वारा अगर कोई बात कही जाती थी तो वो तर्क अगर देते थे, तर्क प्रस्तुत करते थे, तभी जनता ने उसको मानने को कहा कि अगर आप तर्क प्रस्तुत करते हैं तभी हम जन
तभी हम उन बात आपकी बातों को मानेंगे, अन्यथा मानने वाले नहीं है, जिसके कारण पोप और पादरी दोनों उनके ऊपर नाराज हो गए। जनता और पोप पादरियों में क्या हुआ? विद्रोह, जिसको धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वक्त रखता है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। ये अपने कारण क्या? पुनः जागरण का प्रभाव, सर्स के अंतर्गत व्यापित बुराया, मध्यकालीन वर्ग की महत्वाकांक्षा, आर्थिक कारण, पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप, बौद्धिक प्रक्रिया। ता एक हमने आर्थिक कारण नहीं पढ़ा, कि आर्थिक कारण में यह था कि राजा को प्रशासन चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता हुई, लेकिन राजा और राज्य केवल नाम मात्र के थे, जो वास्तविक शक्तियाँ थी पोप और पादरियों के हाथ में थी, सर्स के हाथ में थी। तो राजा को शासन तो चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत थी। तो एक दिन राजा ने सर्स कहा कि सर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए, कर लगाया जाए, जिसके कारण पोप और पादरी राजा के विरुद्ध में खड़े हुए, दोनों के मध्य टकराव हुई, और टकराव होगी तो क्या होगा? विद्रोह आंदोलन हो जाएगा, इसको धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। कि उस समय क्या होता है कि पोप और पादरियों के जितने भी पैसे थे वो रोम के अंदर चले जाते थे, जिसके कारण अभी राज्य में पैसों की कमी हो गई थी, राजा शासन चलाने की, राजा और राज्य को चलाने के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी, तो राजा ने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था। यही आर्थिक कारण ही एक दिन धर्म सुधार आंदोलन का कारण हुआ करता है। देखो, जैसे ही आप पुनः जागरण को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धर्म सुधार आंदोलन क्या है। धर्म सुधार आंदोलन पुनः जागरण को पढ़ने के बाद आपको वाणिज्यवाद भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तब के लिए अगले वीडियो के अंदर अपन कोई नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।